दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल न्यू टॉपिक पर एक वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्ट एलईडी टीवी जिनकी प्राइस 8000 से नीचे रहने वाली है। मींस आज की वीडियो में मैं आपके लिए जिन एलईडी टीवीज की वीडियो लेकर आया हूं उनका आप नॉर्मल टीवी की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, जैसे कि आप सेटअप बॉक्स लगाकर यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, G5, यूट्यूब जैसे OTT कंटेंट्स का भी फायदा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ बजट रेंज के अंदर 32 इंच की एलईडी टीवी के बारे में मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जिनकी प्राइस 8000 से नीचे रहने वाली है। साथ ही साथ इन एलईडी टीवी के अंदर आप मिरर कास्ट या कास्ट स्क्रीन जैसे फीचर्स का भी फायदा ले सकते हैं। मींस आप अपने स्मार्टफोन का कंटेंट भी आप अपने टीवी पे चला सकते हैं। मींस एक नॉर्मल टीवी की तरह तो काम करेंगी ये टीवी, साथ ही साथ ये स्मार्ट वर्क भी करेंगी और बजट रेंज के अंदर आपको ये टीवी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने जो 5 टीवी बताई हैं उन सभी को मैंने एक रैंक दिया है। आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी टीवी का कौन सा रैंक होना चाहिए। अगर इस रैंक में कोई टीवी बताना के लिए रह गया हो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 5th रैंक के स्मार्ट टीवी की, तो जिसके अंदर आता है कोका स्मार्ट एलईडी टीवी 32 इंच के अंदर। इस एलईडी टीवी की अगर डिजाइन की बात करें टोटली फ्रेमलेस एलईडी टीवी मिलती है ये आपको। अगर बात करें इस एलईडी टीवी के स्पेसिफिकेशन की तो डिस्प्ले के अंदर आपको HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ DLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इस एलईडी टीवी में और 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर 20 वाट्स की साउंड मिलती है, 512 MB की रैम मिलती है और 4GB की स्टोरेज मिलती है। अगर बात करें पोर्ट्स की तो 2 HDMI के पोर्ट, 1 USB का पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और 1 डिजिटल ऑडियो का पोर्ट आपको इस एलईडी टीवी में मिल जाता है। ब्लूटूथ और कास्ट स्क्रीन के फीचर्स तो आपको इस एलईडी टीवी में मिलते ही हैं। साथ ही OTT कंटेंट के लिए ऐप्स इस एलईडी टीवी में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन ये एलईडी टीवी लिनक्स बेस्ड है, मींस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं मिलता। प्राइसिंग की बात करें तो 8499 की एलईडी टीवी नॉर्मली रेंज में मिल जाती है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 10% क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी चल रहे हैं, दोनों पर ये एलईडी टीवी अवेलेबल है। अब बात करें 4th रैंक की स्मार्ट टीवी की तो वो आती है सेंस टीवी। सेंस टीवी का 32 इंच वेरिएंट आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है। अगर बात करें इसकी डिजाइन की तो इसका डिजाइन भी काफी प्रीमियम लुकिंग है 32 इंच के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले पैनल की बात करें तो DLED टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ और VA पैनल आपको इस एलईडी टीवी में मिल जाता है। अगर बात करें साउंड की तो 20 वाट्स की साउंड यहाँ पर भी आपको मिलती है, 512 MB की रैम मिलती है और 4GB की स्टोरेज मिलती है। अगर बात करें पोर्ट्स की तो यहाँ पर आपको 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB के पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और 1 डिजिटल ऑडियो का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर भी आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ और कास्ट स्क्रीन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सारी एप्स प्री इंस्टॉल हैं। प्राइसिंग की बात आती है तो प्राइस आपको इस एलईडी टीवी का मिल जाता है 7999 का। क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स और लेस हो जाएंगे इस प्राइस के अंदर, मीन्स 7000 के अप्रोक्स ये टीवी आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर। नेक्स्ट एलईडी टीवी की बात आती है जिसका रैंक है 3rd, उसका नाम है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स हाल फिलहाल ही ये एलईडी टीवी लॉन्च हुई है, ये भी आपको एक काफ़ी प्रीमियम डिजाइन के साथ एलईडी टीवी मिल जाती है जिसके अंदर फ्रेमिंग बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले में आपको ये HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ DLED टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है और 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ तो ये एलईडी टीवी मिल जाती है। 512 MB की रैम मिलती है और 4GB की स्टोरेज मिलती है। अगर बात करें इस एलईडी टीवी के पोर्ट्स की तो 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और डिजिटल ऑडियो का पोर्ट इस एलईडी टीवी में भी मिलता है। कास्ट स्क्रीन, मीरा कास्ट जैसे और फीचर्स आपको इस एलईडी टीवी में भी मिलते हैं। ब्लूटूथ का भी फीचर इस एलईडी टीवी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इस टीवी के अंदर इंस्टॉल है। ये टीवी भी लिनक्स OS पर बेस्ड है। प्राइसिंग की बात आती है तो इस एलईडी टीवी का प्राइस आपको मिल जाता है 8999 रुपए का। 10% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट पर इस एलईडी टीवी में मिल जाता है। अब बात करें नेक्स्ट एलईडी टीवी की जिसका रैंक है 2nd और उस एलईडी टीवी का नाम है थॉमसन अल्फा एलईडी टीवी। इस एलईडी टीवी को मैंने 2nd रैंक दिया है क्योंकि इस एलईडी टीवी में कुछ खास बात है। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की तो डिजाइन इस एलईडी टीवी का काफी ज्यादा अच्छा है। HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ IPS पैनल के साथ ये एलईडी टीवी मिलती है और 400 की हाई ब्राइटनेस के साथ आपको ये एलईडी टीवी मिल जाती है। यहाँ पर 30 वाट की साउंड मिलती है जो कि कंपैरिजन टू दूसरी एलईडी टीवी से ज्यादा अच्छी है। 512 MB की रैम मिलती है और 4GB की स्टोरेज मिलती है। 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और डिजिटल ऑडियो पोर्ट के साथ ही आपको एलईडी टीवी मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको क्वाडकोर का प्रोसेसर मिलता है और लिनक्स OS पर बेस है ये एलईडी टीवी। यहाँ पर भी आपको मीरा कास्ट, ब्लूटूथ जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस एलईडी टीवी के अंदर और OTT प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इस एलईडी टीवी के अंदर।
अब बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइस भी काफी अच्छा है इस एलईडी टीवी का। 7,999 रुपए में आपको ये एलईडी टीवी मिल जाएगी। क्रेडिट कार्ड के ऑफर लगाने पर आपको सिर्फ 7,000 के आसपास ये एलईडी टीवी आपको मिलती है। अब बात करें दोस्तों नंबर वन एलईडी टीवी की, जो कि इस प्राइस रेंज में नंबर वन है, उस एलईडी टीवी का नाम है आई फाल्कन। पहले बात करें कि इस एलईडी टीवी में क्या खास बात है और उसके बाद बात करेंगे कि इसको नंबर वन रैंक क्यों दिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि ये एलईडी टीवी आपको एंड्रॉयड बेस मिलती है। इस प्राइस रेंज में एंड्रॉयड एलईडी टीवी आपको नहीं मिलती है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एचडी रेडी डी एलईडी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इस एलईडी टीवी में, और 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ये एलईडी टीवी आपको मिल जाती है। 16 वोल्ट की साउंड मिलती है, 1 GB की रैम मिलती है और 8 GB की स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है इस एलईडी टीवी के अंदर, जो कि बाकी एलईडी टीवी में नहीं मिलती है। 2 HDMI के पोर्ट, 1 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट, 1 AUX पोर्ट और 1 डिजिटल ऑडियो का पोर्ट आपको देखने के लिए इस एलईडी टीवी में मिल जाता है। अब बात करें इस एलईडी टीवी के OS की, तो यहाँ पर Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीन्स इसके अपडेट आपको काफ़ी लंबे टाइम तक मिलते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। और यहाँ पर रिमोट के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन मिल जाता है, मीन्स आप अपने रिमोट से डायरेक्ट वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो 8,999 रुपये इस एलईडी टीवी का प्राइस है, और क्रेडिट कार्ड के ऑफर लगाने के बाद आपको ये 8,000 के आसपास मिल जाती है। इस एलईडी टीवी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होना, 8 GB स्टोरेज होना, 1 GB की रैम होना और इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट का बटन टीवी के रिमोट में ही होना, ये सारे प्लस पॉइंट्स होने के कारण इस एलईडी टीवी को नंबर वन रैंक दिया गया है। दोस्तों आपकी नज़र में कौन सी एलईडी टीवी नंबर वन पर है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। लिस्ट में कोई एलईडी टीवी बताने के लिए रह गई हो तो उसका नाम दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।